बुंदेलखंड की अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। मौका है जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम राजा सरकार के विवाह महोत्सव का। भगवान श्री राम का विवाह महोत्सव हर साल 3 दिनों तक बड़ी ही धूमधाम और राजशाही परंपरा के साथ बुंदेली संस्कृति के साथ मनाया जाता है। पहले दिन भगवान राम दूल्हा बनते हैं और उन्हें बुंदेली रीति रिवाजों के अनुसार पहले दिन गणेश पूजन के साथ भगवान को तेल और हल्दी चढ़ाई जाती है। दूसरे दिन भगवान का मंडप सजाया जाता है और बुंदेली परंपरा के अनुसार भगवान के मंडप के नीचे महाभोज का आयोजन किया जाता है। तीसरे दिन भगवान दूल्हा बनते हैं और उनकी बारात पूरे राजशाही ठाट बाट के साथ नगर में निकाली जाती है, जहां नगरवासी भगवान का अपने अपने घरों के दरवाजे पर भव्य स्वागत करते हैं। उसके बाद भगवान की बारात जानकी मंदिर पहुंचती है, जहां भगवान के शादी की रस्मों को पूरा किया जाता है। शादी की सारी रस्मों के बाद श्री राम राजा मंदिर में जाती है। राम विवाह, चूंकि सनातन धर्म में राम जी जो है बुंदेलखंड में राजा बनकर के यहाँ रह रहे हैं और राम जी को यहाँ राजा के रूप में पूजा जाता है, उनके विवाह के उत्सव की तैयारियां कई महीने से की जाती है। ओरछा में संपूर्ण ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और राम जी के जब पारिग्रहण का समय आता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि गगन 4-10 भरा उछाऊ तो जनक सुता रघुबीर विवाहू। राम जी के विवाह का यहाँ भव्य रंग मंचन भी किया जाता है। राम जी को राजा बनाकर के उनकी पालकी में उनकी बारात जब निकलती है ढोल नगाड़ों के साथ, तो लाखों नर नारी उनके साथ नाचते गाचते झूमते हुए नए प्रधान पहन करके संपूर्ण नगर में घूमते हैं। राम जी का तिलकोत्सव का कार्यक्रम जानकी मंदिर में कराया जाता है। भगवान राम की नगरी ओछरा में सदियों से मनाए जाने वाले राम जानकी विवाह महोत्सव को लेकर नगर सहित बुंदेलखंड के लोगों में भारी उत्साह है। 16 से 18 दिसंबर तक आयोजित इस पारंपरिक विवाह महोत्सव की मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अपन 55-60 हजार आदमी को खाना बना रहे हैं, उसमें 2 सब्जी आलू मटर टमाटर बैंगन टमाटर और मूली का रायता और मूली पूरी मूली का। क्या स्पेशल रहेगा इस बार राम जी की बारात की पंगत में? वैसे सभी स्पेशल है, भगवान की कृपा है। कितने लोगों का स्टाफ आपका लगा हुआ है इस काम में? स्टाफ हमारा 70 भाई है, 35 लड़के हैं, 3 दिन चलेंगे। इस पावन महोत्सव की मंगल बेला पर धार्मिक नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 17 दिसंबर को रात्रि 8 बजे ढोल नगाड़े गाजे बाजों और राजशाही ठाट वाट के साथ श्री राजा राम सरकार की बारात राजशाही वैभव के साथ निकाली जाएगी। मंदिर से निकलते ही सशस्त्र पुलिस बल द्वारा दूल्हा बने राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के संग पालकी में विराजमान होकर पूरे नगर वासियों को दर्शन देते हुए नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित जानकी भवन मंदिर के लिए निकलेंगे। साथ ही पूरी बारात में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। महाभोज में करीब 50-60 हजार व्यक्ति महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए आते हैं। इसी को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने और जिला प्रशासन पुलिस ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। पूरा मंदिर का कार्यक्रम है और शाम को गंगा जैसी बारात है। 17 तारीख को और 18 तारीख को जो है वो विदाई वाला पूरा कार्यक्रम को देखने को, इसकी पूरी तैयारी प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की जा रही है। जो सजावट का कार्य है वो शुरू हो गया है। मंदिर के प्रांगण के अंदर की सजावट और जो बाहर सड़क में जितनी सजावट वो कार्य हो गया है। जो बारात मार्ग है उसकी साफ सफाई का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है और प्लस जितने भी खुली हुई नालियाँ हैं और उनको ढकने का काम किया जा रहा है, जितने भी अतिक्रमण है उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग जगह पर पोर्टेबल टॉयलेट्स और पार्किंग बनाए जा रहे हैं। भगवान के महाप्रसाद में पूरी सब्जी रायता और बूंदी का प्रसाद भक्तों को बैठा कर दिया जाता है। इतनी बड़ी मात्रा को देखते हुए तैयारियां भी पहले से शुरू हो जाती हैं।